नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। अपना नाम उदित तारण है। बिहार और बिहार की शराबबंदी और शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराबों से हो रही मौत कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ताज़ा मामला जो है वो नालंदा जिला का है। नालंदा जिला के बिहार शरीफ में करीब 13 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है, जिसके बाद बिहार में फिर से एक बार बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो गया। लेकिन लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान एक कदम आगे बढ़कर अब बात कर रहे हैं। अब वो सिर्फ इस पर बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और इसके लिए बजाबते उन्होंने एक पत्र लिखा है बिहार के राज्यपाल को। वो पत्र आपको हम पढ़कर बताते हैं, उस पत्र में क्या क्या मांग की गई है चिराग पासवान के द्वारा। देखिए, उस पत्र में वो लिखते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से खास तौर पर गरीब तबके के लोगों की मौत हो रही है। इस तरह की एक के बाद एक घटनाएं चिंता एवं व्यथित करने वाली है। इस तरह की नालंदा में ऐसी ही घटना से अपनी जान गंवाने वाले लोगों को पीड़ित परिजनों से मिला उनकी तथा स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी से यही पता चला कि ऐसी घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही एवं शराब की अवैध निर्माण तथा कारोबार करने वाले प्रशासनिक मिलीभगत के कारण घटती है। महोदय, राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब ने कई घरों को उजाड़ दिया है। ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके प्रति यदि सरकार और स्थानीय प्रशासन की ईमानदार भूमिका होती तो इनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं थी। मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग की भी जिम्मेवारी है, लेकिन राज्य में लगातार घटित हो रही आपराधिक घटनाएं एवं शराबबंदी के बावजूद इसके होम डिलीवरी वाले अंदाज में फूल फल रहा कारोबार इस बात को स्पष्ट प्रमाण है कि मुख्यमंत्री जी अपनी इस जिम्मेवारी के निर्वहन में लगातार विफल साबित हो रहे हैं। इसका खामियाजा राज्य के निर्दोष लोगों को उठाना पड़ रहा है। आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से हुई मौत के बीच एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, पर पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई है। महोदय, उपर्युक्त तथ्यों के संदर्भ में आपसे मेरी गुजारिश है कि बिहार तथा बिहारियों के हित में अविलंब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अपनी अनुशंसा करने की कृपा करें। इसके लिए राज्य के लोग आपके आभारी रहेंगे। सादर भवदीय चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ने यह पत्र लिखा है और कई तरह के मामले उठाए गए हैं, खासकर उस जिला से संबंधित ये पत्र है, यानी नालंदा जिला में जिस तरह से 13 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद लगातार आपराधिक घटनाएं जो घट रही हैं, एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो उसका भी जिक्र किया गया है इस पत्र में। आपको बता दें कि चिराग पासवान अभी बिहार में है और कल वो नालंदा के दौरे पर थे। नालंदा में वो पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं और वहां से एसपी डीएम को वो फोन भी करते हैं और इसकी पूरी जानकारी लेते हैं और तब से लगातार उनके बयान आ रहे हैं। और ये पत्र उन्होंने लिखा है बिहार के राज्यपाल के नाम से कि बिहार को अब जरूरत है राष्ट्रपति शासन का, बिहार नहीं संभल रहा है नीतीश कुमार से। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।